हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पावर छूट गया था. ओके, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं. पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है. किसी लेंस की पावर के बारे में बात करेंगे. देखिए, पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि पावर ऑफ अ लेंस का क्या मतलब है. पावर ऑफ अ लेंस का मतलब है लाइट को बेंड करने की क्षमता. ठीक है, जिस लेंस के पास लाइट को बेंड करने की जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, सिंपल शब्दों में सुनिए, कोई लेंस लाइट को कितना ज़्यादा बेंड कर देता है ना, यही क्या है उसकी पावर है. बस जिस जो लेंस जितना ज़्यादा बेंड करता होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा. सिंपल शब्दों में सुनिए, अब लेंस आपने दो तरीके के पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. ठीक है, कॉन्वेक्स क्या करता था, कन्वर्ट, और कॉनकेव क्या करता था, डाइवर्ट. ठीक है, रेज को कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट करता था और कॉनकेव लेंस डाइवर्ट करता था. तो देखिए इन्होंने पावर की क्या डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है. बोल रहे हैं द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस. यानी कि कोई लेंस किस हद तक आने वाली रेज को कन्वर्ट कर देता है या डाइवर्ट कर देता है, यही क्या है उसकी पावर है. ठीक है, तो एक टेक्निकल डेफिनेशन है, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं. द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट. मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ. मान लीजिए कि हमारे पास दो लेंस है कॉन्वेक्स. देखिए, एक ये है और ये दूसरा है. ठीक, तो दो लेंस है हमारे पास, दो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास. ठीक है, देखिए ये रे ऐसे करके जा रही थी. ठीक है, और ये अपने ओरिजिनल पाथ से सपोज कन्वर्ज हो गई 10 डिग्री. कितनी 10 डिग्री, ये 10 डिग्री ऐसे नीचे मुड़ गई. ठीक, और ये दूसरे लेंस में देखिए, जरा दूसरे लेंस में क्या हुआ कि ये अपने ओरिजिनल पाथ पे जा रही थी और इससे ये 20 डिग्री बेंड हो गई, 20 डिग्री कन्वर्ज हो गई. तो बताइए पावर किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट लेंस की पावर ज़्यादा है कि सेकेंड लेंस की पावर ज़्यादा है? सेकेंड लेंस की, क्योंकि इसने आने वाली रे को ज़्यादा बेंड किया है तो इसकी पावर ज़्यादा है. ठीक है ना, इसी तरीके से आप कॉनकेव में भी चेक कर सकते हो. ठीक है ना, देखिए ये एक रे आ रही है ओरिजिनल पाथ से, सपोज ये 15 डिग्री बेंड हो गई यानी कि डाइवर्ट हो गई, और ये दूसरा कॉनकेव लेंस है और इसमें आने वाली रे ये ओरिजिनल पाथ से आफ्टर द रिफ्रैक्शन सपोज 20 डिग्री डाइवर्ट हो गई. तो बताइए किसकी पावर ज़्यादा है, सेकेंड लेंस की, क्योंकि सेकेंड लेंस ने आने वाली रे को ज़्यादा बेंड किया है या ज़्यादा डाइवर्ट किया है. तो इस तरीके से पावर हमने देखा क्या होता है, इसको हमने समझा किसी लेंस की पावर क्या होती है. अब समझिए जरा बात, देख लीजिए. मान लीजिए कि इसकी फोकल लेंथ है F1, ये फर्स्ट लेंस है, इसकी फोकल लेंथ F1 है और इसकी फोकल लेंथ F2 है. ठीक है, तो पता है प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो पावर होती है, ठीक है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, पावर को आप कैलकुलेट भी करना पड़ेगा ना आपको. पावर तो हमने डिफाइन कर दिया कि इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट और डाइवर्ट द लाइट रे विच इज फॉलिंग ऑन द लेंस. ठीक है ना, ये तो हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया. अब हमको क्या करना है, हमको क्वांटिफाई भी तो करना है कि पावर को आप किसी नंबर से दिखा पाओगे कि नहीं, तो वो नंबर कितना होगा. ठीक है, पावर को कैसे फाइंड किया जाएगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इज ऑल्सो, आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ टेकन इन मीटर. मीन्स पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए 1/f हो जाएगा, 1/f. अब देखिए, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ फोकल लेंथ को आपको हमेशा मीटर्स में लेना है, इसको नोट लगाइएगा, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर्स में लेना है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ है, बस सिंपल. अब समझिए जरा, क्या आप क्या ध्यान से देख रहे हो, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. ठीक, यानी कि यदि जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी. यानी कि दो लेंस हमने आपको दे दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, बताइए किसकी पावर ज़्यादा थी, सेकंड वाले की. तो बताइए F2 बड़ा है कि F1 बड़ा है, कौन सा फोकल लेंथ बड़ा है, कौन से लेंस का फोकल लेंथ बड़ा है, F1 बड़ा है. क्यों, क्योंकि F1 की पावर कम है, उसकी बेंड करने की कैपेबिलिटी कम है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए पावर को आप मेजर किस में करोगे, मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर. तो पहले तो सब लोग याद कर लीजिए, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, और इसको कैपिटल डी से शो किया जाता है. किससे, कैपिटल डी से शो किया जाता है. बट यहाँ कंडीशन है, द फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. फोकल लेंथ हमेशा आपको किस में लेनी है, मीटर्स में लेनी है. ठीक है, जैसे कि आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ यहीं पर. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. हाँ, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा. देखिए उन्होंने बोला अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर. कह रहे हैं फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इस न्यूमेरिकल को करने से पहले. आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है
कि सभी बच्चों को पता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता था, नेगेटिव। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि पावर का साइन कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिए पावर का फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकस पे। यदि ऊपर तो वन है ना, यदि फोकस पॉजिटिव रहा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और यदि फोकल लेंथ नेगेटिव रहा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ में आई बात? तो इसका मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वह कैसी आएगी, प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, और कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ नोट भी कर सकते हैं क्या, इसको नोट कर लेंगे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बताइए कैसी होगी, पॉजिटिव। और दूसरा पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगी, नेगेटिव। तो ये हमको नोट करना है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फोकल लेंथ दिया हुआ है और आपको क्या निकालनी है, पावर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो पावर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ, फॉर्मूला लगाया, लेकिन कंडीशन क्या थी, फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो ये तो किस में दी है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड लगा देंगे, 100 से डिवाइड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 100 मीटर, ठीक। अब ले जाके यहाँ पर वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन और एफ की जगह क्या डालोगे, 10 अपॉन 100, ठीक है। और आगे यूनिट क्या लिख दोगे, डायरेक्टर, ठीक। अब ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये तो सबको पता होगा, नहीं पता ये, हाँ, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन 10, कितना आ जाएगा, 10 वन 10 10 10 100, तो इसकी पावर कितनी आ गई, 10 डायोप्टर, और साइन कैसा आया, पॉजिटिव, मींस द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आई बात? अच्छा, अब तो इस तरीके से पावर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमको क्या बात करनी है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए हमको बोला जाता है कि देखिए जैसे यहाँ आंसर आया कितना, प्लस 10 डायोप्टर। डायोप्टर को कैसे लिखते हैं, जैसे मीटर को एम से लिखते हैं वैसे डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए जरा इसमें एक और बात है कि आंसर तो मेरा यहाँ 10 डायोप्टर आया है, लेकिन बात यह है कि 10 डायोप्टर को आप कैसे समझोगे, ठीक है। 10 डायोप्टर को आप कैसे समझोगे, पहले 1 डायोप्टर तो पता होना चाहिए कि 1 डायोप्टर क्या होता है, 1 डायोप्टर क्या होता है, तो इसको तो फील करो, सुनो। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर पावर से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। तो सुनिए 1 डायोप्टर क्या होता है, पहली बात तो 1 डायोप्टर किसी लेंस का पावर होगा, 1 डायोप्टर किसी लेंस का पावर। अब मुझे बताइए इस फॉर्मूले को देख के ध्यान से, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F को, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आंसर 1 कब आएगा, जब F कितना हो जाए, 1, भाई ऊपर तो 1 है ही, जब F भी कितना हो जाए, 1, तो 1 अपॉन 1 1 ही तो होता है। यानी कि अगर हम एक ऐसा लेंस ले लें जिसका फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर, तो उसकी जो पावर होगी उसी को क्या बोला जाता है, 1 डायोप्टर। नहीं समझ में आई बात, यहाँ पे चेक करो ना, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F की वैल्यू कितनी डालोगे, 1 मीटर, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 1, और पावर की यूनिट क्या हो जाती है, डायोप्टर, ठीक है। एक्चुअल में मीटर इनवर्स होता है, मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स, मीटर की पावर माइनस होना चाहिए ना, उसी को क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज 1 डायोप्टर, तो नोट करिए 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर की फोकल लेंथ वाला लेंस लाइट को जितना बेंड कर देता है, यानी कि जितना कन्वर्ज कर देता होगा या जितना डाइवर्ज कर देता होगा, कॉन्वेक्स के केस में कन्वर्ज कर देता है, कॉनकेव के केस में डाइवर्ज कर देता है, उस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर। समझ में आ गई बात, तो ये बातें हो गई, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, इसके बाद आइए हम जरा इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल इसमें हम देख लेते हैं क्या हमसे बोला था। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए, अ पर्सन हैविंग मायोपिक आई। अभी मायोपिक आई क्या होता है ये आप अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप जाके विजिट कर सकते हो, अपलोड हो चुका है चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ओके। उसमें मायोपिक आई क्या होता है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मायोपिक, जिस पर्सन का को मायोपिक प्रॉब्लम होता है वो कॉनकेव लेंस यूज़ करता है, ठीक है। तो इन्होंने दिया है इस कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर। पावर निकालना है, क्या निकालना है, तो ध्यान रखिए मायोपिक आई है तो लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, और कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि ये आंसर नंबर 1 हम कर रहे हैं, यहाँ पर फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस में लेंगे इसको, माइनस 50 सेंटीमीटर। अब पावर निकालना है तो पावर भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पावर भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, कॉनकेव लेंस है। बट फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ को हम किस में चेंज कर लें पहले, मीटर्स में। तो बताइए इसको कैसे मीटर्स में चेंज करें, 50 अपॉन 100, ठीक। अब सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं
तो 1 अपॉन और f की जगह क्या आ जाएगा माइनस 50 अपॉन 100, ये 100 कहाँ चलाएगा ऊपर और यूनिट क्या आ जाएगी डायरेक्टर, तो ध्यान से चेक करो ये माइनस भी कहाँ जाएगा ऊपर, तो 100 अपॉन 50 और ये मीटर, 5 1 5 5 2 मीटर क्यों होगा यहाँ पे डायरेक्टर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पावर कितनी आ गई माइनस 2 डायरेक्टर, कोई डाउट है बताइए, आ गया होगा ठीक है। अब देखिए आंसर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, आंसर नंबर 2 देखिए, आपको बोल रहा है अ थिन लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ माइनस 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज द नेचर, बताइए नेचर क्या है, पहले तो यही बता दो नेचर कैसा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, कॉनकेव, क्यों कॉनकेव है, फोकल लेंथ कैसा है नेगेटिव, तो लेंस कैसा है तुम्हारा कॉनकेव है, और पावर इसकी निकालोगे तो कितनी आएगी, माइनस 4 डायोप्टर आएगी, ठीक है ना, कर सकते हो आप लोग सभी लोग इसको, ठीक है छोड़ दे रहा हूँ मैं इसे, करके दिखा दूँ, हाँ पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन f, f कितना है माइनस 25 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, 100 ऊपर चलाएगा, 25 काट के कितना कर देगा उसको 4, तो माइनस 4 डायरेक्टर्स का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक के क्वेश्चंस में पावर निकालनी थी और फोकल लेंथ दिया था, अब पावर दिए फोकल लेंथ निकालना होगा, एक बार बताओ जैसे ये क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 2.5 डायरेक्टर, बताओ लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज इट, इज इट ये हो गया कॉन्वेक्स, सही है yes. और इसकी अब हमको फोकल लेंथ निकालनी, तो देखिए पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f होता है, ठीक, तो f को इधर भेज दो पावर को इधर, तो फोकल फोकस इज इक्वल्स फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर, सुनो अगर पायो पावर को डायरेक्टर में रखा गया है तो फोकल लेंथ किस में आएगा मीटर्स में, सुन लो पावर को अगर किस में रखा है तुमने डायप्टर में, तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली किस में आएगा मीटर में, याद रखिएगा ठीक है, तो 1 अपॉन व्हाट इज पावर, पावर इज 2.5, अब क्योंकि फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो यहाँ हम क्या लिख देंगे मीटर्स, इसको सॉल्व करना आता है सबको, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 10 अपॉन 25, अब सुनिए अभी तक ये क्या है मीटर है, अब इसको हम किस में चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, मर्जी है आपकी, आपको जैसे जवाब देना है आप वैसे जवाब दे दीजिए, सेंटीमीटर में करना हो सेंटीमीटर में कर लीजिए, मीटर में करना हो मीटर में कर लीजिए, ठीक है। तो देखो मीटर में मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने अक्सर लेंस के बारे में पढ़ा है, छोटे छोटे तो लेंस होते हैं तो उनकी फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको एक मैं काम करता हूँ, मीटर को किस में चेंज कर लेता हूँ सेंटीमीटर में, कैसे करूँ 100 से मल्टीप्लाई करके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इतने मीटर में 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 अपॉन 25 into 100 कर दिया और आगे क्या हो गया सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको काट दीजिए 25 फोर द 100 4 into 10, तो फोकल लेंथ कितना आ गया प्लस का कि माइनस का, प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारे पास, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, सुनिए कह रहा फाइंड द एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कह रहा द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ठीक है, किसी कॉनकेव लेंस की, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए आपको परेशान किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, द पावर ऑफ सॉरी फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, ऑफ फोकल लेंथ, देखिए कॉनकेव लेंस बोल दिया है लैंग्वेज में और 2 मीटर उसकी फोकल लेंथ दी, माइनस में नहीं दी इस बार, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि लेंस कैसा है कॉनकेव है, इसलिए फोकल लेंथ आप कैसी रखोगे नेगेटिव में, नहीं समझ में ये बात, देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, कह रहे हैं फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, 2 के आगे माइनस नहीं लगाया इन्होंने, यानी कि आपको खुद सोचना है कि कॉनकेव लेंस है, तो इन्होंने तो 2 मीटर बोला है फोकल लेंथ, सॉरी इन्होंने तो 2 मीटर बोला है फोकल लेंथ, लेकिन मैं कैसा लूंगा नेगेटिव में लूंगा, क्योंकि लेंस कैसा बोल दिया इसने कॉनकेव बोल दिया, समझ में आई बात, तो f फोकल लेंथ इन्होंने हमको दिया हुआ है 2 मीटर, कितना 2 मीटर, मैं अपने मन से इसमें माइनस लगा दूंगा, वाई बिकॉज द लेंस इज कॉनकेव लेंस, तो इसकी पावर भी कैसी आएगी नेगेटिव आएगी, अब ध्यान से ना चेक करिए पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f शुड बी इन मीटर्स, f पहले ही मीटर में, चेक करो f पहले ही मीटर में, इस बार मीटर में चेंज करना नहीं है, तो f पहले ही मीटर में, तो यहाँ माइनस 2 रखेंगे और आगे यूनिट क्या आएगी डायरेक्टर, ये माइनस नीचे से ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा कितना माइनस 0. अरे 1 अपॉन 2 क्या होता है 0.5 ही तो होता है, तो माइनस 0.5 डायरेक्टर, ये क्या आ गई इसकी पावर आ गई, ठीक है ना, अच्छा इतना कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना,
ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O है, ठीक है, या C, O या C कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, ये इसका फोकस है और ये इसका 2F है, यानी कि फोकस का फोकल लेंथ का 2 times, ठीक है, और इसको F डैश 2F डैश से हम लोग दिखा सकते हैं, और ये जो इधर का फोकस है इसको F से और ये 2F, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन निडल, कोई सुई रखी हुई है उसका इमेज, ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये इमेज लेंस से कितनी दूर बनती है, 50 सेंटीमीटर। अब इधर बनती कि इधर, ये नहीं बताया, आइए जरा आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, बस यही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा जाता है, याद है आपको, जब ऑब्जेक्ट को 2F पे रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ध्यान से समझिए जरा, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा, 2F पे, ये निडल रखा हुआ है ए बी, ठीक है, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 2F पे, सही है। तो यानी कि ध्यान से अगर हम देखें तो, और हम इमेज बना भी सकते हैं, एक रे पैरेलल लेके आएंगे तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से, और दूसरी अगर हम फोकस से लेके जाएं तो पैरेलल हो जाएगी, या हम कहाँ से लेके जाएं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी निकल जाएगी, ये देखिए, ठीक। तो पॉइंट ए की इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर ए डैश पर, और पॉइंट बी की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ ये बी डैश पर, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज ऑब्जेक्ट का है, यानी कि निडल जितनी बड़ी थी उतना ही बड़ा ये बना है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमें जो हिंट दिया होता है, यहाँ से हमने पकड़ लिया कि कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है, कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 50 सेंटीमीटर बनी थी ना इमेज, यहाँ पर यही तो बनी, इमेज के बारे में बता रहा है, तो ये हो गई दूरी आपकी कितनी, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात पता चल रही है, हाँ, फोकल लेंथ यहाँ से आपको मिल जाएगी, कैसे, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से F तक स्मॉल F, और F से लेके 2F तक स्मॉल F, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2F, यानी कि एक तरीके से आपको फोकल लेंथ का 2 times दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ का 2 times दिया हुआ है, सही है ना। तो यहाँ अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो फोकल लेंथ का 2 times कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना होगा तभी ये सवाल आपसे हो पाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाके डिवाइड लगा देगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स है इसलिए साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने यही पूछा था, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, सुनिए, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के सामने निडल कहाँ रखी है, तो जवाब है लेंस के सामने निडल कितनी डिस्टेंस पे रखी है, 50 सेंटीमीटर पे ही रखी है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता था, 2F पे, तभी ये कंडीशन आती थी कि इमेज भी कहाँ बनती थी, 2F पे, सेम साइज की बनती थी, रियल और इन्वर्टेड बनती थी। इसका मतलब द निडल इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मिरर नहीं है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऐसे जवाब करेंगे ये वाले क्वेश्चन का, ठीक। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द पावर, अब पावर निकालने के लिए आपको फोकल लेंथ निकालना था, वो तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, अब हम पावर भी फाइंड कर सकते हैं। पावर क्या होता है, 1/F, बट F किस में होना चाहिए बताइए, मीटर में, तो ये तो सेंटीमीटर में, क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड लगाएंगे, तो जब यहाँ F का वैल्यू रखेंगे तो 25/100, और ये डायप्टर, 100 ऊपर चला जाएगा, तो अगले स्टेप में 100/25 डायप्टर, यानी कि 25 तो प्लस 4 डायप्टर इसका, इस लेंस का पावर आ गया, ओके, कर लीजिए इसको। लास्ट टॉपिक हमारा एक छोटा सा बसता है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल दिया है, उस न्यूमेरिकल को करके हम सीखेंगे इस टॉपिक को, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। देखिए कभी कभी क्या ज़रूरत पड़ती है कि आपको एक डिज़ायर्ड पावर का लेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपको चाहिए 1 diopter, कितना चाहिए, आइए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं और टॉपिक को बाद में पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको चाहिए कितना, यहाँ मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, मान लीजिए चाहिए आपको 1 diopter और अवेलेबल नहीं है 1 diopter पावर का लेंस, तो पता है आप क्या कर सकते हो, आप +3.5 diopter का कॉन्वेक्स लेंस ले सकते हो और -2.5 diopter का कॉन्केव लेंस ले सकते हो, और इसको यदि आप पास पास रख दो, क्लोज टुगेदर रख दो, काफ़ी पास पास, देखिए कैसे, कॉन्वेक्स कितने का है, मैं यहाँ डायग्राम बना दूँ समझ जाओगे, ठीक है, ये देखिए कॉन्वेक्स लिया हमने और ये ब्लू मार्कर से मैं कॉन्केव बनाने जा रहा हूँ, इस कॉन्वेक्स की
पावर कितनी बताइए, प्लस 3.5, प्लस से पहचान रहे हो ना कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसकी पावर है सपोज पावर ऑफ, ये हमने लिखा यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कितनी है, प्लस 3.5 डायप्टर। और देखिए इससे बहुत क्लोज हमने एक क्या रखा, कॉन्केव लेंस रखा, इसी से जस्ट इसके काफ़ी क्लोज। तो ये देखिए इसके काफ़ी क्लोज हमने एक क्या रखा, कॉन्केव लेंस रखा। और इस कॉन्केव लेंस की पावर यहाँ हम लिख दे रहे हैं, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस सुनिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस का आप कॉम्बिनेशन करते थे, याद है, सीरीज में ऐड करते थे, वैसा ही कुछ यहाँ पर फंडा है। ठीक है, लेंसेस को आपने उसका कॉम्बिनेशन कर लिया है। तो जैसे याद है आपको 2 ओम और 3 ओम को अगर सीरीज में लगा दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था, 5 ओम ऐड हो जाता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी यदि आप लेंसेस को कॉम्बिनेशन में लगा दें तो ये सोचा जा सकता है कि ये दोनों लेंस कैसा काम कर रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले एक और लेंस का काम कर रहे हैं, जिस लेंस की पावर अब हम निकालने जा रहे हैं। और उस लेंस की पावर आप इन दोनों की जगह एक नया लेंस सोच लीजिए मन में, जैसे आप दो रेजिस्टेंस की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोचते थे, वैसे ही हम इक्विवेलेंट लेंस सोचेंगे अब इन दोनों की जगह। तो उस लेंस की हम पावर निकालने जा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी लेंस लगे हों सबका पावर का एल्जेब्रिक सम ले लो, सबके पावर का एल्जेब्रिक सम ले लो। एल्जेब्रिक सम का मतलब है, थोड़ा समझिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे इसकी पावर है पी कॉन्वेक्स और इसकी पावर है पी कॉनकेव, बस अब कुछ नहीं करना है, आपको एल्जेब्रिक सम करना है, यानी कि साइन के साथ रखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो कॉन्वेक्स की क्या रखोगे, प्लस 3.5 डायप्टर, तो यूनिट है ये इसका, प्लस कॉनकेव की जगह क्या रखोगे, माइनस 2.5, और ध्यान से चेक करिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास आंसर आएगा 3.5 और प्लस माइनस, माइनस 2.5 यानी कि कितना आ गया, प्लस 1.0 यानी कि प्लस 1.0 का मतलब प्लस 1 आ गया, प्लस 1 डायप्टर। मतलब समझिए एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर कितनी है 3.5 डायप्टर, और एक कॉन्केव लेंस जिसकी पावर कितनी है माइनस 2.5 डायप्टर। ये दोनों लेंस मिलके ऐसा काम कर रहे हैं कि हम ये सोच सकते हैं कि इन दोनों लेंस की जगह, इन दोनों लेंस की जगह आंसर क्या है बताइए, प्लस 1 आया, तो इन दोनों लेंस की जगह हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि क्या रखा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जिसकी पावर कितनी है, इन दोनों की जगह एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है जिसकी पावर कितनी है, हाँ जिसकी पावर कितनी है, हाँ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी है, 1 डायप्टर। तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा है, कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा है बताइए, कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स है। ठीक है, और सुनिए आगे यदि आप क्वेश्चन पढ़ें तो वो आपको बोलता है फाइंड द पावर, पावर तो मैंने निकाल ली किसकी, कॉम्बिनेशन की। क्वेश्चन शुरू से पढ़ देता हूँ, टू थिन लेंसेस पावर ऑफ 3.5 डायप्टर एंड माइनस 2.5 डायप्टर आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, दो पतले पतले लेंस कॉन्टेक्ट में रखे गए थे, उनकी पावर निकालनी थी, निकाल दी मैंने। पावर कैसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन का, एल्जेब्रिक सम करके। और कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किसकी, कॉम्बिनेशन की। एक बात बताओ, ये कॉम्बिनेशन का पावर आ गया तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी आ जाएगी, क्या फॉर्मूला लगेगा, हाँ देखिए पावर ऑफ, हम लगा देंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, P इज इक्वल टू 1/f होता है ना, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इधर आ जाएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 1/ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 1/ और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है, प्लस 1, तो नीचे 1 रखेंगे, 1/1, 1, और आंसर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन किस में था, अडैप्टर में। तो सुनिए फोकल लेंथ कैसा आया, प्लस 1 मीटर। इससे ये लगता है कि एक कॉन्वेक्स जो कि 3.5 डायप्टर का था और एक कॉन्केव जो कि माइनस 2.5 डायप्टर का था, उसको पास पास रखने पर वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मानो कि उनकी जगह एक लेंथ रखा हो कॉन्वेक्स जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, और पावर कितना हो, 1 डायप्टर। तो आइए जरा टॉपिक को पढ़ते हैं, कहता है कि पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है, सुनिए। कहता है कि इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस इन क्लोज कॉन्टेक्ट, ध्यान रखना है क्लोज कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं कि ये बहुत दूर दूर रख दिया कॉन्केव यहाँ रख दिया कॉन्वेक्स यहाँ, नहीं, क्लोज कॉन्टेक्ट, बहुत पास पास रखना है। तो द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज, समझ में आई बात। अब जैसे कि इसको अगर आप जनरलाइज करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि भाई अगर बहुत सारे लेंस हैं, पहले लेंस की पावर P1 है, दूसरे की पावर P2 है, तीसरे की पावर P3 है, ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, तीन लेंस हैं सपोज, ऐसे n लेंस है, कैसे n, तो pn क्या है, nth लेंस की पावर है,
तो सबका एल्जेब्रिक आप अगर करोगे तो पावर ऑफ क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन। पावर को यहाँ मैंने स्मॉल पी से गलती से दिखा दिया है, आप कैपिटल से कर लीजिएगा। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड प्लस पावर ऑफ थर्ड एंड सो ऑन टू। अब समझिए, देखिए एग्जाम में पता है आपको एक और तरीके से परेशान कर सकता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। बोलेगा टू थिन लेंसेस ऑफ नहीं, ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा, बोलेगा वन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 3.5 एंड वन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सॉरी गलत मैंने बोल दिया वन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 3.5 एंड वन कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 2.5 बोलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आप नाम को देख के तब साइन रखिएगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रखोगे, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। यहाँ तो इन्होंने साइन दे दिया है, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर वो लैंग्वेज भी बोले तो कॉन्वेक्स के लिए प्लस में रखिएगा पावर को और कॉनकेव के लिए नेगेटिव में रखिएगा, तब देखिएगा कॉम्बिनेशन का साइन कैसा आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन का नेचर आपको पता चल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दूँ छोटा सा, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर, यहाँ कर देते हैं, बताइए उसने क्या बोला। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर और बोल रहा है कि कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 10 डायोप्टर, कॉनकेव लेंस ऑफ पावर 10 डायोप्टर ऐसे बोल रहा है, उसने तो ऐसा बोल दिया। आपको साइन खुद लेने पड़ेंगे, कॉन्वेक्स का प्लस और कॉनकेव का माइनस। अब इनको पास पास रख दिया है, तो कह रहा है जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी पावर बताइए। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू बताइए 4 प्लस माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 10, 6 6 क्यों बोल रहे हो भाई, कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा ना, चेक करो, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 6 क्या डायोप्टर। यानी कि कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है कि मानो क्या रखा हो, एक कॉनकेव लेंस रखा हो जिसकी पावर कितनी है, माइनस 6 डायोप्टर। अब इस कॉम्बिनेशन वाले लेंस की फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, क्या करोगे 1/6 कर दोगे तो आंसर आएगा, लेकिन कैसा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आई बात? अब बताइए इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, देखिए जहाँ प्रोजेक्टर रखा हुआ है पीछे, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इसीलिए किया जाता है, आप क्लास 12th में जाओगे ना तो रे ऑप्टिक्स को और डिटेल में पढ़ोगे, वहाँ आप देखोगे बहुत तरीके के डिफेक्ट होते हैं, सिंगल लेंस से बहुत तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इमेज जो बनती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा कलर आ जाता है, कहीं पर कम कलर आ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़, अलग अलग ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसा कि आपके माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी यूज़ किया जाता है। हाँ,